हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मिलती है आपको इग्नू की सारी अपडेट। और जल्दी ही आप सबके लिए मैं लेके आ रही हूँ लेक्चर्स वीडियो, और जी हाँ, एग्जामिनेशंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर पूरी डिस्कशन। आपका सिलेबस कैसा है, आपको कैसे तैयारी करनी है, और इग्नू में फर्स्ट टाइम में ही, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको कैसे इग्नू की सारी चीज़ें, यानी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, साइनोप्सिस, सब कुछ कैसे क्लियर करना है, इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगी, वो भी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रोग्राम, सारी चीज़ों के बारे में। और जी हाँ, इग्नू से जब आप डिग्री ले लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या है, वो डिग्री वेस्ट हो जाती है, या फिर उस डिग्री को आप यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में यहाँ से की जॉब आप ले सकते हैं। उसके बारे में भी सारी डिस्कशन होगी कि कौन से सर्टिफिकेट में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की तरफ से जो आपको एक अच्छी न्यूज़ मिली है, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं इग्नू के रीजनल सेंटर्स में, और जी हाँ, इग्नू के डैशबोर्ड में इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है आप सबके लिए कि आप यहां से चेक कर सकते हैं। इग्नू ने अपना दिसंबर का एग्जामिनेशन का रिजल्ट कर दिया है पब्लिश। तो रिजल्ट सबका पब्लिश हुआ है या कुछ स्टूडेंट का? तो दोस्तों आपको बता दो, 2021 के दिसंबर का रिजल्ट, यानी कि जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो सारे एग्जामिनेशन का रिजल्ट 28 मार्च 2022 तक का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक है, वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर की जगह पे अपने इनरोलमेंट नंबर को फिल करना है एंड सबमिट करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या फिर रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, तो आप इसके लिए ना थोड़ा सा भी घबराइए नहीं, क्योंकि अभी तक सारी रिजल्ट्स जो है वो अपडेट नहीं हुआ। एज यू नो, इग्नू अब आपको प्री रिजल्ट देता है और आप प्री रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट फाइनली फाइनली फिर से डिक्लेयर होगा, कुछ समय लगता है, तो इसके लिए आप वेट कीजिए। जरूरी नहीं हर एक कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, लेकिन आप इसे चेक करते रहिए, आपका भी रिजल्ट यानी कि पेपर अगर आपने दिया है तो वो अपडेट हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं जून के एग्जामिनेशन की। तो जून 2021 के एग्जामिनेशन की फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है। 25 मार्च तक का जितना भी स्टेटस से आपको इस पे शो होगा, यानी कि बहुत सारी एग्जामिनेशंस, एज यू नो, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, आपके साइनोप्सिस के मार्क्स बाद में ऐड होते हैं, यानी उनके एग्जामिनेशंस बाद में होती है, तो देयरफॉर उसके रिजल्ट भी बाद में ऐड होते हैं, तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं जून का रिजल्ट यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का स्टेटस नॉट कंप्लीटेड बता रहा है। अब ये नॉट कम्प्लीटेड है बट आप प्रोमोटेड हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे आप सबके लिए मैं बता दूँ कि कम्प्लीटेड और नॉट कम्प्लीटेड, यहाँ पे स्टूडेंट को जब प्रमोशन मिलता है ना, तो प्रमोशन मिलने के बाद, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे इस स्टूडेंट की बात करें हम, जैसे कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, इन्होंने जुलाई 2020 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी एडमिशन लिया था जुलाई 2020 से जुलाई 2021 फर्स्ट ईयर के लिए, इन्हें प्रमोशंस मिला है, ठीक है। प्रमोशंस जैसे इनको मिला, अब ये अपना ग्रेड कार्ड चेक करते हैं, तो ग्रेड कार्ड में इनको फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट होता है वो इन्हें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्हें लिखा हुआ है नॉट कम्प्लीटेड, तो अब इन्हें मार्क्स कैसे मिलेगा नेक्स्ट, यानी कि अगले टर्म इंड के एग्जामिनेशन जब ये स्टूडेंट देंगे ना, तब इनको इनका मार्क्स मिलेगा। अब देखिए मार्क्स कैसे मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि शायद हमारा जो मार्क्स है ना वो हमें सही प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू ने ये कहा था अकॉर्डिंग टू नोटिस, जिसमें कि प्रमोशंस की सारी डिक्लेरेशन थी, उसमें कहा गया था कि आपको जो आपका जो हाइस्ट स्कोर होगा वही आपको आपके प्रमोटेड मार्क्स पर मिलेगा। और एक बात कि आप जितने भी सब्जेक्ट में प्रमोट करते हैं ना, सारे सब्जेक्ट में आपको इक्वल मार्क्स मिलता है। जैसे कि सपोज़ किसी सब्जेक्ट में आपको 70 नंबर मिले, तो सारे थ्योरी पेपर में आपको 70 नंबर ही मिलेगा। तो अच्छी न्यूज़ है कि आपको इक्वल मार्क्स दिए जा रहे हैं, किसी में कम नहीं, किसी में ज़्यादा नहीं, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए, और एक नोटिस आई है कि आप सबको अपना ये फॉर्म भर लेना है, जिसे हम क्या कहते हैं, 35th कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये यहाँ पे इग्नू में बताया गया है, आज की अनाउंसमेंट है। इसके बारे में देखिए हम बता सकते हैं बस इतना ही कि आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है,
उनको अपना एक फाइनल सर्टिफिकेट लेना होता है जो कि इग्नू के हेड ऑफिस से आता है। उसे लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वही आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है, क्योंकि आपने पहले भी कई दफ़ा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज से दे दिया जाता था, बट इग्नू की तरफ से आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है थ्रू आपके बाय पोस्ट, आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म यानी कि 35th कन्वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना काफ़ी ज़रूरी। इसको भरने का तरीका काफ़ी ईजी है, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया है कि हाउ आप कैसे इसे फिल कर सकते हैं। तो इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को देख लीजिए। देखिए यहाँ से आपको अलग अलग कोर्सेज की फ़ी लगेंगे, फ़ी ऑनलाइन ही पेमेंट होती है। यहाँ पे आप PhD मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री PG डिप्लोमा डिग्री अगर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 600 रुपये लगेंगे, और इसके आगे अगर आप PG सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ सारी फ़ीस जो है ना ऑनलाइन नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड पे ही आपका सबमिट होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दे रखा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं चैनल रीजनल सेंटर की तरफ से। देखिए चैनल रीजनल सेंटर की तरफ से ना आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हाँ स्टूडेंट का लिस्ट जो है अप्रूव्ड हो चुका है, लिस्ट ऑफ साइनोप्सिस MAPC प्रोग्राम का साइनोप्सिस का रिजल्ट यहाँ पे सॉरी अपडेट जो है वो आ चुका है। जैसे कि साइनोप्सिस क्या होते हैं, हमें असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट रिसर्चमेंट दिया जाता है या साइनोप्सिस दिया गया है, तो उनका भी यहाँ पे नाम अपडेट हो गया है। कई रीजनल सेंटर ये काम करती हैं कि वो अपने स्टूडेंट का नॉट जो अप्रूव्ड है उनका भी नेम यहाँ पे अपलोड कर देती है। ये बहुत अच्छा है। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है या फिर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो इसके लिए आप बकायदा पता कर सकते हैं कि क्यों ये नॉट अप्रूव्ड है, और उसके बाद आप फिर से अपने असाइनमेंट या साइनोप्सिस को फिर से सबमिट कर सकते हैं। रीसबमिट करने के समय इस बात की जानकारी ज़रूर रखिए कि जब आप रीसबमिट करते हैं ना तो आपको किस ईयर का असाइनमेंट सबमिट करना होता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब आप फिर से असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको अगले सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होता है जो कि रिसेंट है। जैसे कि आप अभी यानी कि मार्च और अप्रैल में अगर आप चाहते हो अपने असाइनमेंट को सबमिट करना तो आपको कब का असाइनमेंट सबमिट करना होगा, तो आपको करना होगा जैसे कि आपने 20-21 का असाइनमेंट बनाया था, अब 21-22 सेशन वाइज आपको यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। बस यही है पूरे का पूरा डिटेल। एंड उसी के साथ दोस्तों आपको बता देती हूँ कि आप अपने ID पे लॉगिन होइए, ID पे लॉगिन होके आप सब कुछ चेक करते रहिए ना। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल को मेंटेन कीजिए, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल का स्टेटस आया है या नहीं, टर्म एंड का रिजल्ट कैसा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो आपको बता देगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहुत सारी अपडेट है, इन्हीं सारी अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से चेक कीजिए अपना रिजल्ट, और अगर आप नॉट अप्रूव्ड है तो फिर से असाइनमेंट सबमिट कीजिए। असाइनमेंट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बनाए, तो इसके लिए आपको बना बनाया सॉल्व असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, वो भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे ऑर्डर करके। मैं आपको कहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए। दोस्तों मैं आपको कहती हूँ कि हैंड रिटन असाइनमेंट आपको लेना बेवकूफ़ी है। रीज़न क्या है कि आप हर एक पेज को चेक नहीं कर सकते कि असाइनमेंट में कहाँ मिस्टेक्स है क्या है। सेकेंड थिंग, जहाँ से हैंड रिटन असाइनमेंट बिकते हैं वो ना जाने कितनी कॉपीज़ बनाती हैं, और एक ही कॉपीज़ यानी सेम हैंड राइटिंग्स के लाखों स्टूडेंट से परचेज करते हैं। तो ऐसे में बस आपके साथ यही होगा कि आपको आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलने पे असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप ये चीज़ ना करें, अपने ही हैंड राइटिंग में लिखें, या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो जिससे भी आप असाइनमेंट बनवाते हैं उसे एक ही हैंड राइटिंग में यानी एक पर्सन ही उसे लिखे। अगर ये सारी गलती आप नहीं करोगे ना तो फिर डेफिनेटली आपको असाइनमेंट में 70-80% मार्क्स मिलेगा। तो थैंक यू सो मच बहुत सारी और अपडेट के लिए। रेशम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।